हेलो एवरीवन, दिस इज़ टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज़। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम हमारे प्रोजेक्ट को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को एज अ मेजर प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो या फिर माइनर प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो, तो वहां पर ये जो टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हम हमारे प्रोजेक्ट को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, कैसे हमारा जो डेटा है वो हमारा निकल कर आकर के हमारे प्रोजेक्ट में शो होगा, कैसे हम जो वैल्यूज़ को एंटर करेंगे वो सभी वैल्यूज़ हमारे डेटाबेस में जाकर के स्टोर होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए और साथ में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेजेस में कोर्सेज के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ MySQL Workbench पर, और यहाँ पर आपको MySQL Workbench की जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। अगर आपने अभी तक अपना MySQL Workbench को इंस्टॉल नहीं किया है तो सिंपली ऑफिशियल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा सकते हो उस वेबसाइट पर और MySQL Workbench के APK को डाउनलोड कर सकते हो, पूरा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल कर लेना है, ज़्यादा कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर देख सकते हो लोकल होस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो रूट यूज़र है वो हमारा यूज़र नेम है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को चेंज किया हुआ है तो आपके में कुछ और नेम प्रोवाइड करवा रहा होगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वही सेम हमारा जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है और लोकल होस्ट हमारा 3306 होता है। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। हमको यहाँ पर सबसे पहले हमारे डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करता हूँ क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पर मैंने क्रिएट डेटाबेस, और मेरा जो डेटाबेस होगा वो एम्प्लॉय के नाम से होगा। तो मैं यहाँ पर ई, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस में मैंने कुछ गड़बड़ी करी, यहाँ पर ए लगाना होगा, परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नेम जो होगा वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, सिस्टम जो होगा, एक्चुअली मैं यहाँ से सिस्टम रिमूव कर देता हूँ। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के नाम से मैं यहाँ पर डेटाबेस बना रहा हूँ। मैंने सिंपली इसको यहाँ पर मैंने टाइप किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके पास बटन है, मैं इसको रन कर दूंगा। मैंने जैसे ही रन किया, आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो मेरा जो टास्क था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, मतलब मेरा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को कमांड देना होगी कि मैं किस डेटाबेस को यूज़ करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो मेरे पास तो बहुत सारे हैं, अगर आपके पास हो सकता है नहीं होंगे, बट यहाँ पर आपको कमांड करना पड़ेगा यूज़ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। मैं सिंपली मेरा जो डेटाबेस का नेम है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, मैं इसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और नीचे यूज़ डेटाबेस में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करूँगा और वापस से रन करूँगा, तो आप देख सकते हो मेरा जो टास्क था वो वापस से सक्सेसफुल हुआ। अब मैं अपने जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो मैंने डेटाबेस बनाया है इस डेटाबेस को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को एक टेबल बनाना है। टेबल किस लिए बनाना है, मेरे को लॉगिन के लिए एक टेबल बनाना है कि जो मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड रहेगा वो चीज़ों की हेल्प से मैं एज अ एडमिन अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कर पाऊंगा। तो टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर कमांड देता हूँ क्रिएट। मैंने यहाँ पर क्रिएट और टेबल देना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट है। टेबल का नेम प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, नेम मैं सिंपली लॉगिन ले लेता हूँ क्योंकि हमारी ये लॉगिन टेबल होने वाली है। यहाँ पर लॉगिन ले लेता हूँ। ब्रैकेट्स लेना है आपको यहाँ पर, और ब्रैकेट्स लेने के बाद इसके अंदर आपको कॉलम्स के नेम बताना है। सबसे पहला कॉलम हमारा होगा यूजर नेम का, तो मैं सिंपली यहाँ पर यूजर नेम ले लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरकेयर देना पड़ेगा, यहाँ पर वेरकेयर हो गया। कितनी लिमिट होगी, यहाँ पर 20 वर्ड्स की रहती है। ठीक है, यहाँ आप ज़्यादा भी ले सकते हो, मैं 20 ले रहा हूँ। उसके बाद होगा हमारे पास पासवर्ड, तो मैं सिंपली यहाँ पर पासवर्ड ले लेता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड ले लिया, वापस से यहाँ पर मैं वेरकेयर करूँगा और ब्रैकेट्स के अंदर मैं 20 को पास कर देता हूँ। आप 30, 40, 50 जितना लेना चाहते हो आप ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरे को टेबल क्रिएट करना है, तो वापस से मेरे को सिर्फ ये कमांड को रन करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ऊपर रन कर दूंगा। जैसे ही मैंने रन पर क्लिक किया, आप देखो मेरा जो टास्क था वो थर्ड टास्क जो था वो भी बिल्कुल सक्सेसफुली मेरा रन हुआ है। ठीक है, इट मीन्स मेरा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब टेबल को देखना है, टेबल को कैसे देखेंगे, सिंपली हमारे पास कमांड होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे टेबल का नेम जो कि लॉगिन है, और इसको क्लोज करके मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन को रन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो टेबल है वो मेरे सामने नीचे विजिबल हो रही है।
ठीक है, मेरे पास पहला कॉलम है यूजर नेम के नाम से, और दूसरा कॉलम जो है वो है पासवर्ड के लिए। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर डेटा, मेरा जो यूजर नेम है और पासवर्ड है वो मेरे को मेरे डेटाबेस के अंदर पहले इंसर्ट भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो हमने हमारा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो हम बना रहे हैं, उसके अंदर हमने कोई भी साइन अप करने के लिए हमने वहाँ पर ऑप्शन नहीं रखा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पहले से हमारे डेटाबेस के अंदर ये सारी आईडी और यूजर नेम जो रहेगा हमारा, यूजर नेम और पासवर्ड जो रहेगा हमारा, वो स्टोर होना चाहिए। तो हम कैसे अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पर सिंपली एक कमांड टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे को देना पड़ेगा इंसर्ट इनटू किस टेबल के अंदर मेरे को इंसर्ट करना है, मेरे को करना है लॉगिन टेबल के अंदर। ठीक है, जो मैंने टेबल अभी ऊपर क्रिएट करी उस टेबल के अंदर करना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर लेना पड़ेगा वैल्यूज लिया, वापस से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर सिंगल कोट्स में आपको यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो यूजर नेम है वो देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर टेक कोडर दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्पेस दे रहे हो तो वहाँ पर भी आपको स्पेस देना पड़ेगी, इसलिए ये याद रखना कि जो भी आगे स्टार्टिंग में कोई भी स्पेस ना हो सिंगल कोट्स के अंदर, और एंडिंग में भी कोई स्पेस ना हो। ठीक है, और बीच में भी कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कॉमा दे करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरा पासवर्ड वाले कॉलम पर मेरे को वैल्यू को एंटर करना है। तो मैं वापस से सिंगल कोट्स यहाँ पर ले लेता हूँ, पासवर्ड जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के डिजिट्स जो है वो मेरा पासवर्ड होने वाला है। मैं इस लाइन को क्लोज करता हूँ, पूरी लाइन को मैं यहाँ पर वापस से सिलेक्ट करता हूँ और रन कर देते हैं। जैसे ही मैंने रन किया, इंसर्ट इनटू जो हमारा कमांड था वो बिल्कुल परफेक्टली रन हुआ। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वाला जो हमारी कमांड है इसको मैं वापस से सिलेक्ट करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हुआ या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो टेबल है वहाँ पर यूजर नेम में टेक कोडर आ चुका है, और पासवर्ड में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा जो पासवर्ड हमने इंसर्ट किया वो भी बिल्कुल परफेक्टली हमारी टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर हमने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया, टेबल को क्रिएट कर लिया, टेबल के अंदर हमने यूजर आईडी पासवर्ड को भी इंसर्ट करवा लिया। अब हम चलते हैं हमारे इंटेलिजे आइडिया पर, और वहां जाकर के हम कनेक्शन करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजे आइडिया पर, और यहां पर आने के बाद हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमको हमारे कनेक्शन के लिए एक क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारा जो पैकेज है मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पर जाते हैं, जावा क्लास पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं कौन नाम से क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, CONN के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, क्लास हमारी बनकर रेडी है। इसके बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्ट की जो हमारी लाइब्रेरी होगी उसके अंदर हमको एक जार फाइल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फाइल्स पर जाना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का ऑप्शन होता है, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लाइब्रेरीज का आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर प्लस पर जाना है, जावा पर जाना है, आपके सामने एक फाइल्स शो हो रही होंगी। यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ MySQL कनेक्टर के नाम से हमारे पास एक फाइल होती है, जार फाइल होगी, वो जार फाइल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। MySQL कनेक्टर के नाम से हमारी जो जार फाइल है मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, हमारी जो जार फाइल है वो हमारी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में आकर के इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये जो जार फाइल है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, आप वहां से सिंपली इस पूरी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अपने भी प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर ऐड करना है और कुछ नहीं करना, ऐड हो गई, सिंपली मैं यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ, हमारी जो जार फाइल है वो इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर आकर के मैं सबसे पहले यहाँ पर कनेक्शन बनाऊंगा। मैं सिंपली यहाँ पर लेता हूँ कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन java.sql से आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसको नाम मैं देने वाला हूँ कनेक्शन। मैंने सिंपली यहाँ पर कनेक्शन दे दिया, इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद हमको स्टेटमेंट्स लेना पड़ेंगे, सिंपली मैं स्टेटमेंट ले लेता हूँ। स्टेटमेंट की भी जो फाइल है वो ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट को भी सेम मैं स्टेटमेंट लेने वाला हूँ। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के यहाँ पर सिंपली लेंगे पब्लिक, और वापस से जो हमारी क्लास का नेम है सेम उस नेम से हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेंगे। बॉडी को ओपन कर लेते हैं, कौन नाम से, एक्चुअली सी कैपिटल नहीं है। ठीक है, ये हमारे क्लास का नेम जो है उसमें सी कैपिटल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अंदर आने के बाद अब मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ ट्राई एंड कैच। इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। तो कैच के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्शन, और यहाँ पर मैं ई लेता हूँ। बॉडी को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर मैं करूंगा e.printStackTrace, सिंपली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ print.e.printStackTrace। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आपको आना है ट्राई के अंदर।
ट्राई के अंदर आने के बाद क्या करना है, सिंपली हमको यहाँ पर लेना है क्लास, क्लास लेकर के यहाँ पर करेंगे फॉर नेम, ठीक है। फॉर नेम करके हमको यहाँ पर एक कमांड को पास करना होगा, और अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको इशू नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लेना है डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर क्या करना है कॉम डॉट, और फिर इसके बाद करना है MySQL, ठीक है। फिर वापस यहाँ पर डॉट लेकर के CJ, वापस डॉट लेना है, और यहाँ पर लेना है JDBC, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पर ड्राइवर लेना पड़ेंगे, तो ये कैपिटल D आएगा एक्चुअली यहाँ पर, सिंपली मैं यहाँ पर ड्राइवर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लोज, परफेक्ट है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, C हमारा क्या है, कनेक्शन है, तो सिंपली मैं यहाँ पर कनेक्शन ले लेता हूँ, कनेक्शन इक्वल्स टू यहाँ पर लेना पड़ेगा ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर सेलेक्ट करने के बाद हमको करना है गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन के बाद ये जो बॉडी है हमारी इसके अंदर अब हमको ब्रैकेट्स के अंदर हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाना है, तो हमारे डेटाबेस के लिए हमको यहाँ पर URL को एंटर करना पड़ेगा जो कि होगा डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सिंपली लेना है JDBC कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेना है MySQL, जो कि हमारी MySQL वर्कबेंच है, हमारा डेटाबेस परफेक्ट है। यहाँ पर वापस से स्लैश लेकर के हमको क्या करना है, जो लोकल होस्ट मैंने आपको दिखाया था सेम वही आपको यहाँ पर लेना है। यहाँ पर मैं लेता हूँ लोकल होस्ट, परफेक्ट है। लोकल होस्ट हमारा कितना था, 3306 मेरा जो लोकल होस्ट है, मेरा जो लोकल होस्ट है वो बाय डिफॉल्ट 3306 है। आप सभी का अगर बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट है तो सभी का सेम होता है 3306। अगर आपने चेंज किया है तो वहां पर आप अब एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो बाय डिफॉल्ट है मैं सेम उसी को लेने वाला हूँ 3306। स्लैश देकर के हमारे जो डेटाबेस का नेम था वो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वर्कबेंच को ओपन किया, वर्कबेंच को ओपन करने के बाद जो हमारे डेटाबेस का नेम है ये कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ। इंटेलिजी आइडिया के अंदर आकर के यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के नाम से हमने हमारा डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, परफेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपको बाहर आ जाना है डबल कोट से, कॉमा देकर के अब आपको आपका यूजर नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। यूजर नेम मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपने अगर चेंज किया हुआ है तो आप वो नेम को ले लेना। यहाँ पर मेरा जो यूजर नेम है वो रूट है, तो मैं सिंपली यहाँ पर रूट ले लेता हूँ, और रूट लेने के बाद वापस यहाँ पर हमको कॉमा देना है। कॉमा क्यों देना है, क्योंकि हमको अब एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड, तो वापस डबल कोट्स लेता हूँ और मैं यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ मेरे MySQL वर्कबेंच का पासवर्ड, ठीक है। मेरे MySQL वर्कबेंच का पासवर्ड जो है वो सेम 1234567 है, ठीक है। आपने जो भी आपका नाम या फिर जो भी आपने पासवर्ड रखा था सेम उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लेकर के इक्वल्स टू करेंगे सी डॉट, यहाँ पर मैं लूंगा क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, परफेक्ट है। इसको बाद हमको कर देना है इसको क्लोज। अब हमारा जो डेटाबेस के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हो चुका है कनेक्ट, ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं हमारी लॉगिन स्क्रीन पर। मैं आ चुका हूँ लॉगिन क्लास पर हमारे, और हमारे जब लॉगिन बटन पर क्लिक होगा तो हमको चेक करना है कि यूजर ने जो आईडी पासवर्ड जो एंटर किया है वो आईडी पासवर्ड करेक्ट एंटर किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। वो चीज़ अब हमको चेक करना है, तो वो चीज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट को साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखो, अब हमने क्या बात करी थी कि इफ कंडीशन में हमने लॉगिन पढ़ाया था e.getSource इक्वल इक्वल्स टू लॉगिन। अगर हमारी लॉगिन बटन पर क्लिक हुआ होगा तो हमारी जो इफ कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो भी अपने काम को बताएंगे वो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, तो इसके लिए वापस सबसे पहले तो हमको ट्राई एंड कैच लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब हम डेटाबेस के साथ में डील कर रहे हैं तो हमारे एक्सेप्शंस आने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई एंड कैच ले लेते हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन कैपिटल ई लेना, ठीक है। स्मॉल ई काम नहीं करेगा, एरर शो करेगा, क्यों, क्योंकि हमने एक्शन इवेंट में भी स्मॉल ई का यूज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल ई ले लेना या फिर अनदर कोई भी लेटर ले लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ई डॉट यहाँ पर कर दूंगा मैं प्रिंट स्टैक ट्रेस, परफेक्ट है। अब आ जाना है ट्राई के अंदर, ट्राई के अंदर आकर के क्या करना होगा, अब एक बात, यहाँ ट्राई के अंदर आने के बाद हम मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर आकर के एक चीज दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पर हमारी जो टेक्स्ट फील्ड थी, ये टेक्स्ट फील्ड और ये पासवर्ड फील्ड, हमने इनको ग्लोबली डिक्लेयर करवाया था। इनको ग्लोबली डिक्लेयर क्यों करवाया था, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है उनके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर होने वाला है, ठीक है। अब वो जो यूजर नेम पासवर्ड एंटर हुआ है वो पहले हमको उन टेक्स्ट फील्ड में से निकालना पड़ेगा
और फिर हमारे जो डेटाबेस में वो दोनों आईडी पासवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसलिए हमने ग्लोबली डिक्लेयर करवाया था। अगर ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करवाते तो हम हमारे कंस्ट्रक्टर के बाहर उनको यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब हम ट्राई के अंदर आकर के क्या करेंगे, एक सबसे पहले मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग यूज़र नेम लिया, इक्वल्स टू करते हैं हमने हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है उसको किस नाम से लिया है, टी यूज़र नेम के नाम से लिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे यूज़र नेम इक्वल्स टू मैं ला करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग यूज़र नेम इक्वल्स टू टी यूज़र नेम जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर से टेक्स्ट को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डॉट गेट टेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने गेट टेक्स्ट कर दिया। अब जो भी हमारी टी यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो निकल कर आकर के स्टोर हो जाएगा हमारे स्ट्रिंग यूज़र नेम के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब हमको पासवर्ड भी निकालना है, तो मैं यहाँ पर वापस से पासवर्ड के लिए एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ पासवर्ड। यहाँ पर हमने ले लिया पासवर्ड, ठीक है। इक्वल्स टू करते हैं, हमने ऊपर किस नाम से, टी पासवर्ड के नाम से बनाया था, वापस यहाँ पर टी पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको क्लोज, ठीक है। अब हमारे जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो निकल कर आ चुका है, ठीक है। अब हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमारे कनेक्शन क्लास का। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर कौन हमारी जो क्लास है उसके नाम से मैं यहाँ पर कनेक्शन के लिए कौन ही ले लेता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू न्यू कौन, ठीक है, परफेक्ट है। इसको क्लोज कर दिया। अब हमको एक क्वेरी बनाना पड़ेगी। क्वेरी किस लिए होगी कि अब जो हमारे पास आईडी पासवर्ड्स आए हैं, जो हमने टेक्स्ट फील्ड में से आईडी पासवर्ड को निकाला है, वो आईडी पासवर्ड हमारे डेटाबेस में अवेलेबल हैं या फिर नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग क्वेरी। सिंपली मैंने यहाँ पर क्वेरी लिया, इक्वल्स टू करके डबल कोट्स यहाँ पर लूंगा और यहाँ पर मेरे को कमांड देना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी किस टेबल में से हमको डेटा को मैच करवाना है, हमारे लॉगिन टेबल के अंदर, इसलिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर, यहाँ पर मैंने वेयर लिया। अब क्या मैच करवाना है, हमको हमारा यूजर नेम मैच करवाना है। वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स डबल कोट्स डबल प्लस के साइन और इसके अंदर देना है यूजर नेम, क्योंकि हमारे जो कॉलम का नेम है, कॉलम का नेम भी हमारा क्या है, यूजर नेम। ये हो गया यूजर नेम, ठीक है। हमारे जो यूजर नेम है वो हमारे कॉलम का भी नेम है और किस में से हमको चेक करवाना है, हमारे स्ट्रिंग यूजर नेम में से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूजर नेम ले लिया। इसके बाद हमको पासवर्ड भी मैच करवाना है, तो पासवर्ड के लिए हमको यहाँ पर एंड देना पड़ेगा और हमारे कॉलम का नेम क्या है, पासवर्ड है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर पासवर्ड ले लेना है, ये डब्ल्यू है, परफेक्ट है, ठीक है। पासवर्ड इक्वल्स टू, अब किस में से हमारे पासवर्ड मैच होंगे, हमने ऊपर जो स्ट्रिंग पासवर्ड निकाला है वहां से हमारे पासवर्ड को मैच करवाना है। सिंपली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पासवर्ड, परफेक्ट है। इसको कर देते हैं क्लोज, यहाँ पर डबल कोट्स, परफेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर हमारी क्वेरी को भी हमने बना लिया। क्वेरी को बनाने के बाद अब हमको हमारी जो क्वेरी है इसको रन भी करना पड़ेगा। तो रन कैसे करेंगे, इसके लिए अब देखो, अगर हमारा जो डेटा है वो मैच हो जाता है तो हमारा जो डेटा है वो निकल कर आएगा और हमारे रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रिजल्ट सेट, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट सेट इक्वल्स टू कनेक्शन कॉन डॉट, हमारा जो स्टेटमेंट है उसको लेना पड़ेगा स्टेटमेंट। और इसके बाद जब हमको हमारे डेटा में से किसी चीज़ को मैच करवाना होता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी का, ठीक है। इसके अंदर पास कर देंगे हम हमारी क्वेरी जो हमने ऊपर लिखी हुई है, परफेक्ट है, ये हो गया। अब अगर हमारा जो डेटा है वो आकर के स्टोर होगा हमारे रिजल्ट सेट के अंदर, तो अगर डेटा निकल कर आ गया तो मतलब क्या है कि हमारे आईडी पासवर्ड जो है वो मैच हो चुके हैं। अगर नहीं आया तो फिर हम किसी और अनदर स्टेप पर चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा वापस से इफ एंड एल्स कंडीशन, ठीक है। अगर हमारे रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आया है तो वो कैसे पता चलेगा, डॉट नेक्स्ट की हेल्प से। हमारा डेटा आया है तो डॉट नेक्स्ट में चला जाएगा, मतलब हमारी जो इफ कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। अगर डेटा आ गया तो हमको क्या करना है, हमारे जो लॉगिन वाला जो फ्रेम है उसको कर देना है क्लोज, ठीक है। और हमारे को न्यू फ्रेम को ओपन करवाना है, तो अभी तो हमारे पास कोई न्यू फ्रेम है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्पेस रहने देते हैं, एक और न्यू क्लास बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे। इसके बाद अगर हमारे डेटा जो है वो रिजल्ट सेट के अंदर आकर के स्टोर नहीं होता है, रिजल्ट सेट एम्प्टी है, तो हमारा इफ कंडीशन जो है वो हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। इफ कंडीशन से हमारा कोड नहीं जाएगा, हमारा कोड आ जाएगा एल्स कंडीशन पर। और एल्स कंडीशन पर आने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर बॉडी के अंदर आते हैं और यहाँ पर यूज करना है जे ऑप्शन पेन का। यहाँ पर करेंगे जे ऑप्शन पेन शो मैसेज डायलॉग, सिंपली यहाँ पर शो मैसेज डायलॉग। और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर नल पास कर देना है, फिर डबल कोट्स लेना है जो भी आपका मैसेज है, जैसे कि हमको दिखाना है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, सिंपली हमने इसको यहाँ ले लिया। अगर हमारे डेटाबेस में से जो आईडी पासवर्ड है वो किसी कारण से मैच नहीं होते हैं
तो हमारे पास क्या मैसेज शो होगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और की जगह आप एंड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये सारी चीज़ें तो परफेक्टली वर्क करना चाहिए, ठीक है, बट इसके पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू क्लास और बना लेते हैं हमारे होम के नाम से, जिससे कि हम टेस्ट कर पाए कि हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो बिल्कुल परफेक्टली हम लॉग इन कर पा रहे हैं उसके थ्रू या नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करते हैं, वापस से मैं आता हूँ हमारे पैकेज के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, जावा क्लास पर जाएंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेन क्लास के नाम से बना लेता हूँ, मेन अंडरस्कोर क्लास के नाम से मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर फटाफट यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक्सटेंड कर देना है जे फ्रेम से। ठीक है, इसको मैं जे फ्रेम से एक्सटेंड कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आकर के मेन फंक्शन को बना लेता हूँ। मेन फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पर हमको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे सेम क्लास के नेम के अकॉर्डिंग होने वाला है। यहाँ पर मेन अंडरस्कोर क्लास के नाम से मेरा जो कंस्ट्रक्टर है उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके अंदर आकर के सिंपली मैं यहाँ पर करूँगा सेट साइज। ठीक है, सेट साइज मैं सिंपली यहाँ पर रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ कि आपको फ्रेम बस हमारे सामने आ जाए। सेट विजिबिलिटी को यहाँ पर कर दूंगा ट्रू, परफेक्ट है, और नीचे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिससे कि हमारा जो फ्रेम है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू मेन अंडरस्कोर क्लास के नाम से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, परफेक्ट है, यहाँ पर हमारा जो फ्रेम बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक ये इम्पोर्ट टूल जावा सी मेन, ये जो क्लास है ये एक्स्ट्रा इम्पोर्ट हो चुकी है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बाद में, क्योंकि ये एरर देना शुरू कर देगी हमको कहीं ना कहीं पर, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, एक बार राइट क्लिक करता हूँ और रन पर क्लिक करता हूँ कि हमारी जो मेन क्लास जो हमने अभी क्रिएट करी है, ये इसका फ्रेम जो है विजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो फ्रेम तो विजिबल हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब वापस से चलते हैं और हम स्प्लैश क्लास से कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूँ, स्प्लैश क्लास को रन करते हैं। स्प्लैश क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। 5 सेकंड का होल्ड लेकर के हमारी स्क्रीन जो है वो क्लोज हो गई, हम आ चुके हैं हमारे लॉग इन पेज पर। यहाँ पर सबसे पहले हमारा यूजर नेम था टेक कोडर, और जो आईडी थी वो टेक कोडर थी, पासवर्ड था 123456789, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एंटर किया, लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमारा फ्रेम जो है वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, लॉगिन फ्रेम हमारा क्लोज हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे आईडी पासवर्ड जो है वो मैच कर गए, बट हमने अभी लॉगिन फ्रेम पर जल्दबाजी में, जल्दी के चक्कर में हमने यहाँ पर बताया ही नहीं कि हमारा जो फ्रेम है, लॉगिन क्लास पर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर देखो कि रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, अगर हमारे रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आकर के स्टोर हो चुका है तो हमने सिंपली सेट विजिबिलिटी को फॉल्स किया। हमको ओपन भी तो करवाना है न्यू फ्रेम को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू, ठीक है, यहाँ पर न्यू, और यहाँ पर ले लूंगा मैं मेन अंडरस्कोर क्लास जो अभी हमने क्रिएट करी, परफेक्ट है। एक बार और वापस से कोड को रन करते हैं, यहाँ पर मैं वापस से क्लास को रन करता हूँ, स्प्लैश क्लास वापस से रन होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्लैश क्लास हमारी रन हो रही है, स्प्लैश क्लास अब क्लोज हो गई, हम आ चुके हैं लॉगिन पर। यहाँ पर मैं यूजर आईडी एंटर करता हूँ टेक कोडर, और जो पासवर्ड है उसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर 9 तक की वैल्यूज को एंटर कर दिया। लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो सक्सेसफुली हम लॉगिन कर पाए हैं, और हमारे आईडी पासवर्ड हमारे डेटाबेस में से मैच कर चुके हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे आईडी पासवर्ड मैच कर गए, हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन पर। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। कहीं पर अगर डाउट है, एरर आ रहा है, तो हमारे टेलीग्राम लिंक जो है, चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पिन कमेंट में एक और लिंक आपको मिल रही होगी, जो कि हमारे डिस्कशन ग्रुप की है, तो वहाँ से आप हमारे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो होप्स आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, ज़्यादा टफ नहीं है। जार फाइल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल रही होगी, तो आप वहाँ से सिंपली जार फाइल को डाउनलोड कर लेना, और जैसा मैंने स्टेप बताया कि आपके प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में कैसे इंपोर्ट करवाना है वो आप करवा सकते हो। ठीक है, होप्स आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो मेन क्लास बनाई है हमने उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर हमारे ऐड एम्प्लॉय, व्यू एम्प्लॉय, रिमूव एम्प्लॉय, ये सारे फंक्शंस को भी हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।